ये बार बार आपको अलग अलग से याद करना पड़ता है, मैं एक ही जगह पे बोल रहा हूं, इसको खत्म ही करो यार, है ना, टंटे को। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल किसमें होती है? सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा। और बोथ किसमें होती है? बोथ मतलब इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है। किसमें? एनालिडा में एंड मोलस्का में। इसको थोड़ा ऐसे याद रखना, देखो एनालिडा में भी डबल एन आ रहा है मतलब बोथ, मोलस्का में भी डबल एल आ रहा है मतलब बोथ, डबल वाला, ठीक है। और इंटरनल रेस्ट ऑफ ऑल, इनको छोड़ के जितने भी बचे उनमें इंटरनल। नेक्स्ट है डेवलप। देखो डेवलपमेंट दो टाइप की हो सकती है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है जिसमें लार्वा अब्सेंट है ना, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है जिसमें लार्वा प्रेजेंट है, ठीक है। तो दो टाइप से इसको करेंगे, पहले हम नॉन कोर्डेट्स को कर लेते हैं, फिर कोर्डेट्स को कर लेते हैं। अब नॉन कोर्डेट्स में क्या है, पॉरीफेरा से लेके हमारे पास कहां तक आते हैं, हेमी कोर्डेटा तक आते हैं। तो आंख बंद करके सब में क्या कर दो, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। बस ध्यान क्या रखना है, जो ट्रिपल ए है, यानी ट्रिपल ए मतलब जो हमारे क्या है, एसके हेलमिंथीज, एनालिडा एंड अर्थ्रोपोडा हैं, उनमें इनडायरेक्ट भी हो सकती है और डायरेक्ट भी हो सकती है, बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम कोर्डेट्स की, ठीक है। देखो ये हमारे पास प्रोटोकोर्डेट है, यूरोकोर्डेट एंड सिफेलो, इनमें क्या है, इनडायरेक्ट, और एक एम्फीबिया में, एम्फीबिया में है इनडायरेक्ट, बाकी सब में है डायरेक्ट। अब साइक्लोस्टोमेटा के डायरेक्ट पे मैंने एक छोटा सा स्टार लगाया, क्यों लगाया है, क्योंकि आप एनसीईआरटी में ही पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा इसमें एक लार्वा प्रेजेंट। नेक्स्ट बात करते हैं हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की, ठीक है। देखो रेस्पिरेशन पॉरीफेरा में कैसे, डिफ्यूजन, सिलेंट्रेटा में डिफ्यूजन, टीनोफोरा में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स अब्सेंट, प्लेटी हेलमिंथीज में डिफ्यूजन, एस्के हेलमिंथीज में डिफ्यूजन, एनालिडा में मोइस्ट क्यूटिकल, अर्थ्रोपोडा में, देखो अर्थ्रोपोडा में इनको ऐसे याद रख लेना, मैं बोल रहा हूं ये पूछ लिया जाएगा, ये याद रखना है आपको। प्रॉन में गिल्स, क्रैब में बुक गिल्स, इंसेक्ट में ट्रेकिया, स्कॉर्पियन में बुक लंग्स, और मोलस्का में फीदर लाइक गिल्स, इकाइनोडर्मेटा में गिल्स, हेमिकोर्डेटा में गिल्स, यूरोकोर्डेटा एंड सिफेलोकोर्डेटा में फेरिंजियल गिल स्लिट्स, फिशेज में गिल्स, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल में लंग्स, ठीक है। एक थोड़ा सा पैटर्न पकड़ो, थोड़ा सा पैटर्न पकड़ो। देखो यहां पे बिल्कुल बेसिक चीजें चल रही थी, डिफ्यूजन 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 डिफ्यूजन, है ना, ऐसी इस टाइप की चीजें चल रही थी। फिर क्या आए हम, फिर गिल्स की तरफ आए, है ना, फिर एक्वाटिक है तो गिल्स की तरफ आए। जैसे जैसे पानी में से एनिमल्स बाहर निकले, मतलब जमीन पे आने लगे, जैसे रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल जमीन पे रहते हैं, तो उनमें आ गए लंग्स। तो थोड़ा सा इसको पैटर्न के साथ करना। नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी ऑर्गन। देखो मैं फिर से एक बात रिपीट कर रहा हूं, हमारी एनसीईआरटी में ऐसे ही दिया हुआ है, और कहां दिया हुआ है, ह्यूमन फिजियो में किडनी वाले चैप्टर में, तो इनको ऐसे ही याद रखना, ठीक है। देखो प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन किसमें होते हैं, प्लेटी हेलमिंथीज, रोटिफर्स, सम एनालिट्स एंड एम्फियोक्सस में, और नेफ्रीडिया किसमें, अर्थवॉर्म एंड अदर एनिमल, माल्फीजियन ट्यूब्यूल किसमें, मोस्ट ऑफ इंसेक्ट इंक्लूडिंग कॉकरोच, एंटीनली और ग्रीन ग्लैंड किसमें होते हैं, क्रस्टेशियन लाइक प्रॉन्स में, और किडनी किसमें होती है, वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स जितने भी सारे हैं सब में किडनी आ जाएगी। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो अब यहां पे जो अपनी ह्यूमन फिजियो में चीज आएंगी ना, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में चीजें आएंगी, एक्सक्रीटरी में आएंगी, सर्कुलेटरी में आएंगी, मैं वहां से वो चीजें उठा के इसी चैप्टर में लिया है कि वहां पे हमें बार बार कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो जैसे जैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वैसे वैसे बता रहा हूं ना, हो सकता है आपको ये चीजें ह्यूमन फिजियो में मिले पर एनसीईआरटी में पक्का मिलेंगी। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप, क्लोज्ड टाइप, तो एनसीईआरटी की लाइन है ऐसे ही याद रखना है कि ओपन किसमें प्रेजेंट होते हैं, अर्थ्रोपोडा, मोलस्क्स का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा, और क्लोज्ड किस में होता है, वर्टिब्रेट्स में एंड एनालिडा में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हार्ट की, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हार्ट की। अब हार्ट की किसकी, वर्टिब्रेट्स के हार्ट की बात कर रहे हैं, टू चैंबर्ड, थ्री चैंबर्ड, फोर चैंबर्ड। टू चैंबर्ड हार्ट किस में होता है, फिशेज में होता है, सिंपल सी बात है, हम पीछे से लेके आगे तक चल रहे हैं, मतलब फिश, फिर एम्फीबिया, रेप्टाइल, फिर बर्ड, मैमल, और ये, ठीक है। देखो टू चैंबर्ड किस में, फिश में होता है, फिर उसके बाद थ्री चैंबर्ड एम्फीबिया और रेप्टाइल में, और फोर चैंबर्ड किसमें होता है, बर्ड्स में और मैमल्स में और क्रोकोडाइल में। क्रोकोडाइल पे मैंने लगाया है स्टार, क्यों लगाया है, क्योंकि क्रोकोडाइल एक रेप्टाइल है, तो टेक्निकली होना तो चाहिए थ्री चैंबर्ड, बट क्रोकोडाइल में होता कैसा है, फोर चैंबर्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है देखो, वही मैं फिर से बात कर रहा हूं कि डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जो अपनी लास्ट पेज पे जो टेबल दी हुई है उसको आपको ये इजीली उसमें आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहले कंप्लीट किस में आया, एसके
हेलमिंथीज में। अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि एसके हेलमिंथीज में पहली बार आया तो कॉमन सी बात है, एसके हेलमिंथी से पहले जितने भी हैं जैसे पोरीफेरा है, प्लेटी हेलमिंथीज है, टीनोफोरा है, उन सब में क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा। और एसके हेलमिंथीज के बाद जितने भी आएंगे जैसे एनालिडा हो गया है ना, अर्थ्रोपोडा, मलस्का, इकाइनोडर्मेटा, उसमें कंप्लीट होगा, सेम इनके लिए भी चलेगा। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहली बार कंप्लीट आया एसके हेलमिंथीज में, और सर्कुलेटरी सिस्टम पहली बार कहां प्रेजेंट हुआ, एनालिडा में, और रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे पहली बार कहां प्रेजेंट हुआ, अर्थ्रोपोडा में। अब इसकी सिंपल सी एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं। देखो आईपीएल की टीम है एक दिल्ली कैपिटल्स है ना, दिल्ली कैपिटल्स। अब दिल्ली कैपिटल्स आपको याद होगा ये पिछले से पिछला आईपीएल शायद हुआ था, उसमें वो हार गई थी, मतलब वो रनर अप थे, फाइनल में हार गए थे। तो दिल्ली कैपिटल्स रनर अप, यहां पे क्या है, ट्रिपल ए, यहां पे क्या है, ट्रिपल ए। ट्रिपल ए तो अपना फ्लो है ना, एसके हेलमिंथीज, एनालिडा, अर्थ्रोपोडा, तो ये कुछ है। ठीक है, दिल्ली कैपिटल्स रनर अप।